सिवनी जिले के थाना लखनादौन में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। लखनादौन के वार्ड क्रमांक 9 की एक शादीशुदा महिला ने 23 अगस्त 2020 को लखनादौन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि विश्राम पटेल ने घर में अकेला देख घुस गया और बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया और पति को एवं परिवार के लोगों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर रिपोर्ट करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उक्त युवती की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी विश्राम पटेल की तलाश लखनादौन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी, जो उक्त घटना के बाद सही फरार था। आरोपी के संदर्भ में मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा और मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उक्त पूरे मामले पर एसडीओपी आरएन परतेती ने बताया कि यह आरोपी विश्राम पटेल, जो धनौरा थाना के थावरी गाँव का रहने वाला है और वर्तमान में लखनादौन में ही रहता है, यह एक आदतन अपराधी है जिसके ऊपर थनोरा में 11 एवं घनसोर में 16 मामले दर्ज हैं। और अब एक मामला 23 अगस्त को लखनादौन में दर्ज हुआ, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 354 एवं 452 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। सिवनी मध्य प्रदेश से जिला ब्यूरो विमल चौबे की रिपोर्ट। सर, ये छेड़खानी का जो मामला आया है, कहां का है? जो है वार्ड नंबर 9 लखनादौन की रहने वाली है। उसका पति जो है मोबाइल सुधारने का काम करता है। दिनांक 18/8/2020 को उसके पति जो है अपने मोबाइल दुकान चले गए थे। उसी दरमियान जो है ये थाना धनौरा के अंतर्गत ग्राम थावरी है, वहाँ का जो आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ जो है थाने धनौरा में 11 और घनसौर में 16 मामले रजिस्टर्ड हैं और एक मामला अपने यहाँ 23/8/2020 को उसके विरुद्ध घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। क्या क्या धाराएं के तहत कार्रवाई की? यही 354-452 घर में अवैध घुसकर और महिला के साथ बुरी नीयत के साथ छेड़छाड़ करना। देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।